गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी के बारे में, जो आज इस डिवाइनल इवेंट पर उनके साथ हो रही है, ठीक है? तो उनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आ रही है, जिसकी वजह से चाहे आप दोनों के बीच सब कुछ सही भी क्यों ना हो, बट उनके बिहेवियर सडनली चेंज होने वाली है, ठीक? तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि आज एक साथ तीन तीन डिवाइनल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? तो ये हैवी एनर्जी की वजह से आपकी पर्सन के साथ बहुत कुछ होने वाली है, ओके? तो आज ये जो हैवी एनर्जी है, ये उनको अंदर से पूरा हीला कर रख देने वाली है, ठीक है? क्योंकि ये उनकी लाइफ में एंड आपकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं, एक ऐसी बदलाव जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ऐसा बदलाव भी आता है अचानक से, ठीक है? तो आज उनको उनकी फैमिली से, उनके फ्रेंड से या फिर कोई ऐसी पर्सन है जो उनकी दिल की बहुत करीब है, उससे बहुत ट्रिगर मिलने वाली है, या फिर ये ट्रिगर्स उनको मिल चुके हैं, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी एनर्जी में बहुत कुछ बदलाव आ रहे हैं, ठीक है? ओके, एंड उनकी कैरियर में भी कुछ ऐसी रुकावट आ सकती है, कुछ चीज़ें जो वो कभी खुद से अलग नहीं करते हैं, वही सारी चीज़ों को उनसे छीन लिया जाएगा, ठीक है? एंड उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, उनको उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है? जो उनकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल अप होने वाली है, तो उनकी लाइफ से वो सारे पुरानी चीज़ों को बाहर कर दिया जाएगा, ओके? जिसकी वजह से उनकी बिहेवियर में सडनली एक चेंजेस को आप देखने पाओगे। वो सडनली आप पर गुस्सा करने वाले हैं, मतलब आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन तो होगी, बट वो उनकी प्रॉब्लम की वजह से आपको हर्ट करने वाले हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच एक ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलने वाली है, बट ये जो ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन है, ये सबके साथ नहीं होने वाली है, ठीक है? जो हाईली अवेकेंड है, उनकी तो अच्छी कम्युनिकेशन होगी, बट आज सबकी एनर्जी अप एंड डाउन होगी, ठीक है? क्योंकि ये हैवी एनर्जी कलेक्टिव में है। तो जो भी डिवाइन फेमिनेंस इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आज आपको मेडिटेशन, हीलिंग एंड सेवन चक्रा को जरूर करना होगा, नहीं तो आप लो एनर्जी में चले जाएंगे और आपका जो पर्सन है वो भी लो एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है? एंड कुछ ऐसे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी भी मुझे रिसीव हो रही है, जैसे कि वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना तड़प रहे हैं आपके लिए, मतलब आप दोनों की पास्ट की कुछ मेमोरी को याद करके वो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, जैसे वो कोई हेल में है, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, वो आप दोनों की सेपरेशन की टाइम को याद कर रहे हैं कि कैसे आप उनके साथ लड़ रहे थे, मतलब आपकी भी कुछ ऐसे बुरी आदतें हैं जिसे आपका पर्सन अब याद कर रहा है, और वही सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है कि उस टाइमिंग में गलती किसकी थी, ठीक है? बट उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, और ना ही उनकी कोई गलती थी तब, तो वो आपसे बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, बट ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन को सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की क्रेविंग होती है, ठीक है? उनकी को किसी और के साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है जो सिर्फ आपके साथ वो फील करते हैं, ठीक है? तो उनके साथ अब कुछ ऐसा हो रही है कि वो आपकी एनर्जी का सामना तो अब नहीं करना चाहते हैं, ना ही आपकी एनर्जी से वो दूर हो पा रहे हैं, ठीक है? जो उनके लिए एक बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन बन रही है। तो इस वक्त उनके दिल में जितने भी सारे इमोशन को वो छुपा कर रखे थे, जिसे वो इग्नोर कर रहे थे, वही सारे इमोशन अब एक एक करके सरफेस में आ रही है, जिसे वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको उनकी इमोशन को एक्सेप्ट करना होगा, आपको भी एक्सेप्ट करना होगा एंड इस जर्नी को भी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि उनके पास सर कोई रास्ता है ही नहीं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है? तो यही सारी चीज़ों की वजह से उनकी पर्जिंग भी अब इतना इंटेंस हो रही है, जैसे वो अकेले में बहुत रो भी रहे होंगे एंड उनकी ये एनर्जी आप फील भी कर पा रहे होंगे। आपको अचानक से बहुत गुस्सा आ रहा होगा, रोने का मन कर रहा होगा, बट आप अच्छे से रो भी नहीं पाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेगी, ठीक है? आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आपके साथ ही सब अचानक से क्या हो रहे हैं, ठीक है? जैसे आप कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में हो। तो गाइज, ये जो एनर्जी अगर आप इस वक्त फील कर रहे हैं ना, तो ये सारी एनर्जी आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है? जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ओके? एंड इसके साथ आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस हायर अप हो रही है, आपकी एनर्जी भी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब
बहुत सारे चेंजेस आप सभी के साथ हो रही है, तो आप इस एनर्जी का सामना कीजिए एंड सारे नेगेटिविटी को रिलीज करके पॉजिटिविटी को असेट कीजिए अपने अंदर। ओके, खुद को पहले हील कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लाइए एंड उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं तो आपको आपके पर्सन को हीलिंग भेजना है, क्योंकि वो इस वक्त बहुत दर्दनाक सिचुएशन में है। ओके, सो गाइस, आई विश कि ये 5-5 पोर्टल फुल मून एंड लूनर एक्लिप्स आप सभी को आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करे एंड आपकी सारे नेगेटिविटी सारे प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेकर चले जाए और आप सबकी परमानेंट यूनियन आपकी ट्विन से 3D में हो जाए। ओके, सो गाइस, यही था फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की करंट एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।